नमस्कार, मैं तुलसी बिष्ट फिर एक बार आपके सामने। आज फिर एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ माँ क्या होती है इस संबंध में दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संसार में बेवजह चिंता करने वाली कौन होती है? क्या किसी ने जाना है? क्या किसी ने माना कि माँ क्या होती है? ये प्रश्न तो उनसे ही पूछा जाए या उनसे ही पूछो जिनकी माँ नहीं होती। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है माँ के चरण। जगत की यह जननी स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर है। त्याग, तपस्या और बलिदान की साक्षात मूर्ति। माँ के लिए जितना भी कहें उतना ही कम। मनु और सतरूपा का प्रथम मेल है माँ। सारे ब्रह्मांड सृष्टि की अद्भुत रचना है माँ। सारी सृष्टि रचना की दूर दृष्टि है माँ। इस जगत का बहुत बड़ा अंश है माँ। जन्म के पहले जन्मती है माँ। 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है माँ। गर्भ में भी श्वास लेने का उपाय होती थी माँ। ब्रह्म बेला की सुबह है माँ। पहले रोने की आहट का पहला आंसू है माँ। पहली बूंद का दूध भरा अमृत पिलाती है माँ। अंतर गहराइयों का समंदर है माँ। अंतर गहराइयों का समंदर है माँ। जीवन की प्रथम गुरु है माँ। भगीरथ सी कठोर तपस्या है माँ। भगीरथ सी कठोर तपस्या है माँ। मरुस्थल में बहती भरी नदी है माँ। दुनिया में लोरियों की गुन गुनाहट है माँ। दुनिया में लोरियों की गुन गुनाहट है माँ। एक योद्धा की तरह जीती है माँ। एक योद्धा की तरह जीती है माँ। जीवन का आशीर्वाद है माँ। माँ है तो जहाँ है। माँ है तो जहाँ है। एक अंतहीन यात्रा का अनंत है माँ। माँ के बराबर कोई नहीं है। माँ के बराबर कोई नहीं है।